एडवेंचर के शौकीन लोग अक्सर रोड ट्रिप पर निकलते हैं। भारत में ऐसी कई सड़कें हैं जिन पर चलने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। इन सड़कों पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी रोड ट्रिप के शौकीन लोग इन पर सफर करने से बाज नहीं आते। इन सड़कों पर एक्सपर्ट ड्राइवर भी चलने से डरते हैं। यहाँ हम आपको भारत की 10 ऐसी सड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग स्किल और हिम्मत के साथ अच्छी किस्मत भी होनी चाहिए। जोली ला पास भारत के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। पलक झपकती नहीं कि बंदा 3538 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे टपक जाएगा। यह सड़क श्रीनगर से ले जाते हुए रास्ते में पड़ती है। यह दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। यह काफी कठिन और भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है जहां तापमान 0 से -45 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। आम दिनों में यहाँ की सड़कें मिट्टी से भरी रहती है, वहीं बर्फबारी के कारण यह सड़क और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। किस्तवर कैलाश रोड। यह सड़क नेशनल हाईवे 244 का हिस्सा है जो चिनाब नदी के साथ चलती है। कोल्ली हिल्स रोड तमिलनाडु। तमिलनाडु में नमक्कल जिले में स्थित कोल्ली हिल्स एक खूबसूरत टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ मौजूद सड़क कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। इस रास्ते पर लगातार 70 हेयरपिन मोड़ हैं, जिसके कारण यह बाइकर्स के बीच काफी फेमस है। कोल्ली हिल्स के नाम का शब्दिक अर्थ मौत का पहाड़ है। इस पर मौजूद खराब पेच और पॉट होल्स राइडिंग को काफी तनावपूर्ण बनाते हैं। यह स्थान काफी खूबसूरत है, लेकिन जरा सी लापरवाही से जान सकती है। थ्री लेवल जिगजैग रोड सिक्किम। सिक्किम में मौजूद यह सड़क काफी घुमावदार है जो इसे काफी खतरनाक भी बनाता है। यह सड़क समुद्र तल से 11,200 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरती है। इस रोड पर चलते हुए आपको बेहद ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ की खूबसूरती देखते हुए अपनी निगाहें सड़क पर टिका कर रखना बेहद जरूरी होता है, वरना कभी दुर्घटना भी हो सकती है। लेह मनाली हाईवे रोहतांग पास। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाले इस पास को रोहतांग पास या दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड पर चलते हुए आपके धैर्य की बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इस सड़क पर हमेशा ही जाम लगा रहता है और कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। बर्फबारी के मौसम में तो इस रोड पर दुर्घटना होना आम बात है। इस हाईवे के दोनों तरफ से पहाड़ है। बर्फबारी के बाद इस सड़क पर यात्रा करना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। माथेरान नेरल रोड। यह सड़क माथेरान और नेरल को जोड़ती है। सर्किले आकार की इस सड़क पर ड्राइव करते हुए कलेजा मुंह को आ जाता है। यूं तो हर सड़क मक्खन की तरह स्मूथ है, लेकिन इतनी सक्रिय है कि आप गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। पहाड़ियों से घिरा माथेरान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। यहाँ के घने जंगलों में तेंदुए, हिरण, मालाबार जायंट गिलहरी, लोमड़ी, जंगली सुअर, मोंगोज और लंगूर जैसे जानवर पाए जाते हैं। नाथुला पास। नाथुला पास भारत के सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड माना जाता है। यह भारत और चीन के बीच 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट में से एक है। इस सड़क पर ड्राइव करना काफी खतरनाक है। यह पास प्राचीन सिल्क रूट की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। किन्नौर कल्पा रोड। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को कल्पा से जोड़ने वाले इस हाईवे को आप नर्क का हाईवे भी कह सकते हैं। यह सड़क पहाड़ को काटकर बनाई गई है और इस पर चलते हुए खाई और खतरनाक सुरंगें मिलना आम बात है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क NH5 का हिस्सा है। इस सड़क से होकर ही सेना अपना साजो सामान चाइना बॉर्डर तक ले जाती है। खारदुंगला पास। खतरनाक मोड़ वाली इस सड़क पर आर्मी की कड़ी निगरानी रहती है। यहाँ गाड़ी चलाते हुए अच्छे अच्छे ड्राइवरों के पसीने छूट जाते हैं। खारदुंगला पास में आप नुब्रा वैली से एंट्री करते हैं। यह सड़क अक्टूबर से मई तक बंद रहती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड में से एक है और इसकी अनुमानित ऊंचाई लगभग 18,379 फीट है। चांगला पास लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इस सड़क से गुजरते हुए ड्राइवरों की घिंगी बंधी रहती है। चांगला पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ जा रहे हो तो मेडिकल किट और गर्म कपड़े लेकर जरूर जाएं, क्योंकि चांगला के मौसम का कोई ठिकाना नहीं। मौसम के अलावा इस सड़क की ऊंचाई भी इसे खतरनाक बनाती है। इसकी अनुमानित ऊंचाई लगभग 17,585 फीट है।